Happy sing happy birthday guys. And what's up, welcome. So today is the evening of 5th of August and tomorrow is my birthday. So basically it is my birthday eve and I'm not doing anything like kind of special abhi because filhal to I was very tired and so I slept for an hour or two after my classes. It's 7 p.m. right now and I will have ramen in my dinner. I know it's very unhealthy but yeah, kabhi kabhi ye chalta hai. So today I will be eating it like after 15-20 days, so I guess it's fine. So aaj hum wo khayenge like around 8:30-ish I'll start cooking, but right now now what I have to do is clean up my room a bit and then study because we have our end posting of pediatrics coming on 8th of August. On 6th it's my birthday, so basically I'll have just one day left after that, which will maybe not be enough. So I have to start studying for that and I literally have no idea where to start, what to do, what to study. So let's figure that out. So yeah, let's sit down to study now. Happy birthday to me. सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रेटी मच अ बर्थडे व्लॉग, जो अभी तक तुम्हें पता ही होगा. एंड मेरी रूममेट ने मेरे लिए केक ऑर्डर किया था बट वो रूम पे नहीं थी तो ये जाकर भी मुझे ही लाना पड़ा. उसके बाद हमने रामन खाई और साथ में सीनियर ऑफ माइन गॉड दीज पेस्ट्रीज फॉर मी, तो हमने ये खाई और मिड नाइट होने का इंतजार किया. साथ में थोड़ी सी पीडिया पड़ी. अभी रुक जाओ, कब करूँ? अभी कर दो, पहले स्टार्ट तो करते ना. जोर से Happy birthday to you. Happy birthday dear boy. Happy birthday to you. फिर अराउंड 11:30 वी वेंट डाउन स्टेयर्स और मेरे फ्रेंड्स ने छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था विद केक एंड छोटे छोटे गिफ्ट्स. आई डोंट नो बट दीज थिंग्स मेक यू फील स्पेशल एंड लव्ड इवन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम एंड दीज मैटर्स. कौन खाएगा? द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट कि ये लोग पटाखे भी लेकर आ गए थे एंड इट फेल्ट गुड एंड स्पेशल, बट एट द सेम टाइम आई डिडेंट वॉन्ट टू मच अटेंशन. बट वार्डन पटाखों की आवाज़ सुन के बाहर आ गए थे एंड ही वॉज लाइक कि ऐसा क्या हो गया एंड वी वर यू नो स्पीचलेस ऑब्वियसली. तो आफ्टर कटिंग अ केक आउटसाइड द हॉस्टल, मैंने रूम पर आकर भी तैयार होके एक और केक कट किया डेकोरेशन के साथ, पिक्चर्स खिंचवाई. माई बिगेस्ट फियर ऑफ माई बर्थडे वॉज कि बारिश हो जाएगी, बट उस दिन मौसम काफ़ी साफ था. गुड मॉर्निंग पीप्स, सो इट्स माई बर्थडे मॉर्निंग एंड आज बारिश नहीं हो रही है. थैंक गॉड. सो हमारे सारे प्लान्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो अभी तो फिलहाल आई वॉज टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली और सबकी बर्थडे विशेज़ ले ली. नाउ आई एम गोइंग टू गो टू वॉशरूम, गेट फ्रेशनड अप एंड टेक अ बाथ एंड देन या लेट्स गेट रेडी, और उसके बाद हम कहीं जा रहे हैं. सो आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, सीइंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड अ लॉट ऑफ कॉल्स, मैं फाइनली आई टुक अ शावर एंड वी गॉट रेडी. मैंने पहना ये कोऑर्ड सेट जो मे बी मैंने मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से लिया है, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट आई लाइक दिस अ लॉट. मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, उसके ऊपर मैंने ये कर्ल डिफाइनिंग क्रीम लगाया. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड कि यू शुड ट्राई यूजिंग दैम, मे बी कुछ हो जाए. सो या आई एम यूजिंग दैम एंड सो फार आई एम लविंग दैम, बट ये उसी दिन के लिए रहते हैं. उसके बाद वी वेंट टू दिस टेम्पल, ऑब्वियसली दिस हैड टू बी द फर्स्ट थिंग वी डू इन द मॉर्निंग. उसके लिए मैंने ये कोऑर्ड सेट पहना था. ये पास में हमारे कॉलेज के यू मस्ट हैव सीन और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर आता है. लुक एट द माइटी गैंजेस. हे गाइज व्हाट्स अप, सो माई कर्ल्स और माई वेवी हेयर आर रियली waving and they look pretty good in the video, but I don't think that I will be able to sustain them till I reach Dehradun.
So we are going there, and also the birthday dress that I ordered is coming only today. So it's not yet out for delivery. So we are going to catch that from the delivery center in Rishikesh, and let's see if it fits me. And if it doesn't, we are going to buy a new one. And I'm almost done with my packing for a day. I'm wearing this satin shirt with black pants and my flats. Then at around 11:30 we left for Dehradun, and 1.5 hours में हम लोग देहरादून पहुंच गए थे. मुझे मेरी ड्रेस भी मिल गई थी, वो जो भी डिस्पैच सेंटर से थी, सो आई वॉज रियली हैप्पी. सबसे पहले हम लोग गए मॉल ऑफ देहरादून. यहाँ पर भी सबसे पहले फूड कोर्ट में हम लोग गए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी इस टाइम पर. रात का कुछ भी नहीं खाया हुआ था, एंड हमें यहाँ पे पॉपाइज दिखा, तो हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया. वी वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि देहरादून में और हमें कहीं पॉपाइज नहीं मिला. उसके बाद आई ऑल्सो ट्राइड दिस टर्किश आइसक्रीम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अच्छा सा प्यारा सा बच्चों वाला एक्सपीरियंस था, मज़ा आया. एंड मैंने इससे पहले कभी भी टर्किश आइसक्रीम ट्राई नहीं करी थी, बस लोगों को देखा ही था टू बी ऑनेस्ट. फिर हमने अपनी पेट पूजा करी, एंड देन वी डिड अ बिट ऑफ विंडो शॉपिंग हेयर एंड देयर मॉल में. एंड हम गए न्यूमी के स्टोर में गाइज, विच इज़ लिटरली वेरी हाइप्ड अप राइट नाउ. ऑफलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स, यहाँ गए एंड एवरीथिंग वॉज इन दिस प्रिटी शेड ऑफ पिंक, जो मुझे बहुत पसंद आया. वी चेंज्ड आवर क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द डे, बट रस्ते में जाते जाते बहुत तेज़ बारिश होने स्टार्ट हो गई, एंड आई फर्स्ट वॉज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी हैड टू वेट फॉर अ गुड 30 मिनट्स. बट उसके बाद जैसे ही हम उस जगह पर पहुँचे, मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया. सो बेसिकली वी वेंट टू एन आर्केड, जो मैं स्पेसिफिकली तो पहले कभी नहीं गई थी, बट यहाँ आकर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. टाइम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी 3-4 घंटे ऐसे ही निकल. हमने बहुत ज़्यादा गेम्स खेली, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. वी प्लेड अ लॉट ऑफ वर्चुअल रियलिटी वाली गेम्स, एंड इट वाज सो सो फन. इट वाज जस्ट लाइक ब्रिंगिंग द इनर किड इन यू बैक, लाइक इस पूरे दुनिया की हसल में, इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, करियर वगैरह वगैरह, इन सब में हम अपना हैप्पीनेस भूल ही जाते हैं. एंड देयर आर फ्यू डेज जो भगवान तुम्हें एज अ चांस देता है, यू कैन यू नो रीलिव योर चाइल्डहुड, यू कैन बी हैप्पी, एंड आई थिंक यू शुड नॉट मिस दैट. आई ऑल्सो सेड a short video of mine that your birthday is not just another day, it's a very very special day, it's a day to celebrate yourself, and I guess that's so much true. Is din maine koi fancy parties nahi kari, we did not call any friends, koi fancy dresses bhi nahi pehni. I had 3 dresses jo main lekar aayi thi, but koi kuch bhi nahi pehna, and I was fully satisfied with my day. Is din main 9:30 baje so gayi thi, because I was so happy and so tired and so satisfied. कि आई डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग एल्स फ्रॉम माई लाइफ दैट डे. प्लान तो मैंने एक बर्थडे ट्रिप करा था, लेकिन ड्यू टू एग्जाम्स वो नहीं हो पाया, बट आई फुल्ली एंजॉयड व्हाट एवर आई डिड ऑन दैट डे. एंड आई गेस दैट इज योर साइन टू स्टार्ट टेकिंग योर बर्थडे सीरियसली. सेलिब्रेट देम, सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस, डू व्हाट एवर यू लाइक, एंड नॉट जस्ट ऑन योर बर्थडे बट ऑन एवरी अदर डे. तो उसके बाद वी हैड दिस डिनर फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड एज पिंक बलूची, एंड आई थिंक दैट इज it for this video. I hope that you like it. I'll see you very soon, maybe the next week in another video. Chalo, bye bye, see you soon. Are you just wrong? Are you just wrong?